हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ICAR 2020 के बारे में। ICAR 2020 का जो पेपर 16, 17 और 22 सितंबर 2020 को होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसमें अभी ये बताऊंगा कि लास्ट के आपके जो ये 3-4 दिन बचे हैं, इन 3-4 दिन में आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये पेपर ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ऑनलाइन होगा मतलब आपको ऑफलाइन पेज के द्वारा पेपर नहीं देना पड़ेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका पेपर होगा, तो आपको पेपर देके घबराना नहीं है। जैसे आपका ऑफलाइन पेपर होता था, तो ऑफलाइन पेपर के पहले पेज पे जो चीज़ें लिखी हुई आती थी, वैसी की वैसी ही ऑनलाइन पेपर में भी सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो आपको उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सब कुछ इंस्ट्रक्शन अच्छे से बारी बारी से धीरे धीरे से पढ़ना है, सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ होगा। और आपको लास्ट में, कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि मैंने तो पेपर को लास्ट में सेव ही नहीं किया, तो मेरे आंसर सेव नहीं होंगे, वहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है टाइम खत्म होते ही। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको तो बस हर एक क्वेश्चन को सेव और नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना है। सेव और नेक्स्ट करेंगे तभी आपका पेपर पे जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन का आंसर राइट माना जाएगा, अदरवाइज उसे जीरो में काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, हम बात करते हैं हमारे टॉपिक्स की कि कौन कौन से टॉपिक्स अब लास्ट के 4-5 दिन में हमें पढ़ने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ज़्यादातर ICAR का पेपर देने वाले बच्चे बायोलॉजी और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं बता देता हूं कि पहले देखो, जैसे एक तो पेपर होगा आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, एक तो आपका पेपर होगा केमिस्ट्री का, दूसरा पेपर होगा आपका बायोलॉजी का, तीसरा पेपर आपका होगा फिजिक्स का और चौथा पेपर होगा आपका एग्रीकल्चर का, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपके 4 स्ट्रीम के पेपर होंगे, किसी भी बच्चे को इन 4 में से कोई 3 चुनने होंगे, ठीक है, कोई 3 चुनने होंगे जिसमें बच्चे ने अपने एग्जाम जब फॉर्म भरा था तो आपने वो फॉर्म में लिखा होगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट से पेपर देना चाहूँगा। तो इस तरह से आपने जो पेपर वहाँ पर चुना था वो उससे आपको पेपर देना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से 50 × 4 एक सब्जेक्ट के 200 नंबर हो जाएंगे और 3 सब्जेक्ट के आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 600 नंबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो पेपर है, अब इसकी कट ऑफ तो देखो जब पेपर लगेगा उसके बाद ही डिपेंड करेगी कट ऑफ कैसी है। हमारा आज मेन टारगेट ये है कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक अब पढ़ने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट के बारी बारी से टॉपिक बताता हूँ, आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा अगर आपने पिछले कुछ टाइम से आपने तैयारी करी है तो, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं करिए तो आप अपना अच्छा स्कोर करने के लिए पिछले 4-5 दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूंगा। तो दोस्तों, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको पहला टॉपिक आपको आवर्त सारणी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? आवर्त सारणी पढ़नी ही पढ़नी है। आवर्त सारणी के साथ साथ आपको केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रासायनिक बंधन, ठीक है दोस्तों। रासायनिक बंधन में भी जैसे आवर्त सारणी तो कंप्लीट पढ़नी है। आवर्त सारणी की जो 5 प्रॉपर्टीज है स्पेशली, जैसे आपकी विद्युत ऋणता हो गई, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई, आयनन एंथैल्पी हो गई, परमाणु त्रिज्या हो गई, ऑक्साइड ये जो प्रकृति हो गई, ये सारी की सारी आपको पढ़नी जरूरी है, क्योंकि सबसे एक एक क्वेश्चन वहाँ फिक्स आएगा। यानी आवर्त सारणी से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग में आपको MOT पढ़नी है, VBT पढ़नी है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है इनमें से, और एक जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बंध ऊर्जा पढ़नी है आपको, एक वो जो फाइन्स रोल है, फजान का जो नियम है सहसंयोजक यौगिकों के लिए, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इतना आप पढ़ लोगे आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा मत पढ़ना आप, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर जो चीज़ पढ़नी है वो आपको पढ़नी है IUPAC आपको पढ़नी है। IUPAC नेमिंग आपको जरूर पढ़नी है, पढ़नी जरूर है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आ जाते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक में आपको क्या पढ़नी है? उसके अलावा ऑर्गेनिक में आपको नेम रिएक्शन पढ़नी है। नेम रिएक्शन पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। नेम रिएक्शन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि नेम रिएक्शन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सीधा सीधा पूछेगा कि ये नेम रिएक्शन कौन सी है, इस नेम रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट काम में आता है, वो चीज़ें। उसके बाद आपको रिएजेंट पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं? आपको इसके बाद रिएजेंट पढ़ने हैं, जैसे ल्यूकास अभिकर्मक हो गया, हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया, वुटज रिएक्शन में कौन सा काम में आता है, हर एक रिएक्शन का आपको रिएजेंट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है एसिड बेस वाला, अम्ल क्षार, ठीक है। अम्ल क्षार में देखो आपको क्या क्या पढ़नी है, आरहेनियस अम्ल क्षार पढ़ना है, ब्रोस्टेट अम्ल क्षार पढ़ना है और लुईस अम्ल क्षार पढ़ना है, ठीक है।
अगर आप ये वाला अगर आपको नहीं पढ़ना अगर नहीं आता हो तो इसका, और इसके अलावा देखो एक पीएच का आपको पीएच निकालने का पढ़ना है, एक इसमें केएसपी निकालते हैं अपन, सोल्युबिलिटी केएसपी और एस में संबंध निकालते हैं, ये वाला विलेयता और विलेयता गुणनफल में ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, एक बफर पढ़ना है आपको इसमें से बफर पढ़ना है, पीएच आप नॉर्मल पीएच निकालना सीख जाना, बस नॉर्मल से ही लग जाएगा। दोस्तों ये वाला चैप्टर मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे अच्छे से पढ़ाया, आप चाहो तो 25 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो पूरा का पूरा, और यहाँ से आपको समथिंग आईसीआर में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखो, इसके अलावा आपको पाँचवा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको रासायनिक जो बल गति की है, रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर के अर्धायुकाल पढ़ लेना, उसके अलावा अर्धायुकाल के साथ साथ आप क्या पढ़ोगे, अर्धायुकाल के साथ साथ आप पढ़ लेना वहाँ पर जो उसके उदाहरण है फर्स्ट ऑर्डर के वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा एक वो आरेनीय समीकरण है उसमें वो पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना। उसके अलावा देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है उसमें आपको क्वांटम नंबर पढ़ना है, क्या नंबर पढ़ना है, क्वांटम नंबर पढ़ना है। क्वांटम नंबर आपने देखा होगा एन कोमा एल एम और एस, ये चार क्वांटम नंबर होते हैं, ये चारों क्वांटम नंबर पढ़ने हैं आपको। एक एन प्लस एल का नियम पढ़ना है, हुंड का नियम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हुंड का नियम पढ़ना है, ठीक है। हुंड के नियम के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, पाउली का नियम पढ़ना है, पाउली का नियम, ठीक है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना, एक तो कॉपर का देख लेना, एक क्रोमियम का देख लेना, यह आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ से और कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद आप केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी और केसी का जो संबंध होता है, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी वाला, ये संबंध आप ध्यान रख लेना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आप एक तो अवस्था फलन पढ़ लेना, अवस्था फलन के जो उदाहरण है, अवस्था फलन के जो उदाहरण है वो वाले, और एक वो मात्रा आश्रित और मात्रा स्वतंत्र जो गुणधर्म है वो पढ़ लेना। उसके अलावा आपको यहाँ से और क्या पढ़ना है, इस वाले चैप्टर से आप पढ़ लेना ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच का जो ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डेल्टा जी वाला संबंध आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद अगले वाले चैप्टर में कुछ नहीं है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है, यही क्वेश्चन आएगा वहाँ पर। और किसी का ऑक्सीकरण अंग निकालना, ऑक्सीकरण अंग निकालना मैंने सिखा रखा है आपको, आप चाहो तो इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, वहाँ से भी आप देख सकते हो ऑक्सीकरण अंग निकालना। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना, फिर कुछ नहीं पढ़ना, आवर सारणी से आपके एसपीडीएफ ब्लॉक सारे हो जाएंगे। एसपीडीएफ ब्लॉक में आपको हाइड्रोजन जो एक तो मतलब ऑक्साइड ही प्रकृति है वो पढ़ लेना, ऑक्सो एसिड पढ़ लेना बस, ऑक्सो एसिड के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना आपको डी ब्लॉक में। और इसके अलावा आप और क्या पढ़ सकते हो अच्छे से, सोल्यूशन वाले में कुछ मत पढ़ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ लेना नेंसर्ट इक्वेशन पढ़ लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे नेंसर्ट इक्वेशन पढ़ लेना, और एक ई सेल निकालना पढ़ लेना, ई सेल निकालना जो आप एसओपी प्लस एसआरपी से निकालते हो, ये वाला ई सेल पढ़ना सीख लेना बस। यहाँ अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक में तो आपको 3 ही चीज़ पढ़नी है, अब आईपीएसी नाम पढ़ना है, नेम रिएक्शन पढ़ना है और रिएजेंट पढ़ना है, 3 चीज़ के अलावा ऑर्गेनिक में तो कुछ ही मत पढ़ना, पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट इसी बेस्ड आएगी। ऑर्गेनिक के मान लो वहाँ पर आपके समथिंग आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे समथिंग, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आपके ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होंगे, ठीक है, और 5 क्वेश्चन अदरवाइज होंगे। उसके अलावा लास्ट में आपके 12th क्लास में 2-3 चैप्टर दे रखे थे जिसमें पॉलीमर था, तो पॉलीमर के आप एकलक इकाइयां याद कर लेना, ठीक है, बहुलक वाली जो एकलक इकाइयां याद कर लेना, एक दो की, जैसे आपके प्राकृतिक रबर सबसे इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम रबर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नाइलॉन 6-6 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डेक्रोन सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी, और एक पॉलीथीन की आप एकलक इकाइयां पढ़ लेना। उसके अलावा आपको बायोमोलिक्यूल में डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ लेना, प्रोटीन में जो 1 डिग्री 2 डिग्री जो स्ट्रक्चर होती है उनमें बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है वो पढ़ लेना। उसके अलावा सुक्रोज को क्या नाम देते हैं अन्य, जैसे सुक्रोज को टेबल सुगर बोलते हैं, ऐसे इनके नाम है ना, ये नाम पढ़ लेना आप। उसके अलावा जैसे सुक्रोज का जल अपघटन करने पे क्या क्या बनेगा, माल्टोज के जल अपघटन करने पे क्या क्या बनेगा, लेक्टोज के जल अपघटन करने पे क्या क्या बनेगा, ये पढ़ लेना। इसके अलावा आप एस्प्रिन की स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना, उसका आईपीएसी नाम भी याद कर लेना, ठीक है, एस्प्रिन और पैरासीटामोल। उसके अलावा आप साबुन वाला साबुन जरूर पढ़ लेना, साबुन में क्या क्या होता है, ठीक है। एक कोलाइडी विलियन में आप वो पढ़ लेना इमल्सन और पाइस किसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इमल्सन और पाइस के अलावा आप पढ़ लेना वहाँ पर झाग फल लवण विधि जरूर पढ़ लेना,
एक भर्जन और निस्थापन में अंतर पढ़ लेना, इतना पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आप 35 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री में के अलावा बायोलॉजी की और बता देता हूँ मैं आपको स्ट्रेटेजी। बायोलॉजी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी में मैं आपको 4-5 चैप्टर बताता हूँ, वो 4-5 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना, वहीं से आपका काम हो जाएगा। पहला चैप्टर तो आपका अनुवांशिकी, अनुवांशिकी ठीक है दोस्तों, अनुवांशिकी। दूसरा चैप्टर बायोटेक, बायोटेक ठीक है। तीसरा चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल, ठीक है ये हो गए। इसके अलावा आपको एक पढ़ना है इकोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल, ठीक है इकोलॉजी और एनवायरमेंटल पर्यावरण वाला, ठीक है ये दो चैप्टर पढ़ लेना। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेना, पादप प्लांट फिजियोलॉजी है ना, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेना। प्लांट फिजियोलॉजी के अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप पढ़ लेना एंडोक्राइन, एंडोक्राइन पढ़ लेना। एंडोक्राइन के अलावा हड्डियां तो आप रहने देना, आपसे नहीं होगा। आप तो अगर पहले से पढ़ रखा है तो हड्डियों का आप रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज आपको एंडोक्राइन जरूर पढ़नी है। एंडोक्राइन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एक ब्लड वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, ब्लड वाले चैप्टर से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये जो फैट जो लीनियस की 5 जगत वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण वर्गीकरण है, वर्गीकरण वर्गीकरण पढ़ लेना। एक कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में जो सारणी दे रखी है ना, वो सारणी पढ़ लेना। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इधर आपने जेनेटिक्स पढ़ ली, बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया, इतना ही आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। एक दूसरा आपका जो 12th क्लास की पुरानी वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें दूसरा चैप्टर था एक, जिसमें परागण के बारे में था, जनन के बारे में, पादपों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में था। उसमें परपरागण, स्वपरागण, परपरागण में चींटी के द्वारा होने वाले वो क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे जो परागण है ये परागण परागण आप पढ़ लेना, आपका ICRMC सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एग्रीकल्चर के लिए और फिजिक्स के लिए आप अपने टीचर से सलाह ले सकते हो आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।